नमस्कार दोस्तों, व्हाट इज GGBS? दोस्तों GGBS का मतलब क्या होता है और इसको हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? तो दोस्तों GGBS का मतलब होता है ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फार्नेस स्लैग, ब्लास्ट फार्नेस स्लैग। ओके, तो ये होता है GGBS की फुल फॉर्म। तो दोस्तों आयरन इंडस्ट्री पे आप लोग ब्लास्ट फार्नेस देख सकते हैं, तो ये है दोस्तों एक ब्लास्ट फार्नेस। ओके, तो दोस्तों इस फार्नेस में हम लोग तीन चीज़ों को भेजेंगे। एक तो है देखिए ओर प्लस इम्प्यूरिटीज, साथ ही साथ हम लोग भेजेंगे फ्लाक्सिंग मटेरियल, और कोक प्लस इम्प्यूरिटीज। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को ही हम लोग इस फार्नेस में भेजेंगे। ओके, तो इस फार्नेस में हाई टेम्परेचर में दो चीज़ निकल के आ जाएगा। पहला तो है देखिए लिक्विड पिग आयरन, लिक्विड पिग आयरन। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग आयरन की डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर निकल के आ जाएगा स्लैग। ओके, तो दोस्तों ये जो स्लैग होता है ये होता है एक वेस्ट मटेरियल। तो दोस्तों इस वेस्ट मटेरियल को हम लोग सीमेंट की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हम लोग इसको यूज करते हैं PSC के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो दोस्तों इसके लिए कोड होता है IS 455। ओके, तो फ्रेंड्स पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे OPC क्लिंकर, इसके साथ हम लोग यूज करेंगे जिप्सम। ओके, तो जिप्सम है एक रिटार्डर, इसको फ्लैश सेटिंग रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके साथ हम लोग यूज करेंगे GGBS ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फार्नेस स्लैग। ओके, तो दोस्तों कितना अमाउंट तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं? जनरली हम लोग यूज करते हैं 25 से लेके 70% तक हम लोग GGBS को यूज करते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके की हम लोग वर्क कर रहे हैं। ओके, अब दोस्तों GGBS की हाइस्ट परसेंटेज 85% तक भी आपका हो सकता है। ओके, तो दोस्तों ये जो GGBS है इसका स्ट्रेंथ, इसकी साउंडनेस, इसका सेटिंग टाइम एंड इसकी फाइनेस, ये OPC की सिमिलर होता है, OPC की सिमिलर होता है। अब दोस्तों इसको यूज करने की फ़ायदा क्या है? तो इसका एडवांटेजेस है देखिए, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होता है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, दूसरा चीज़ है ये बेटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बेटर रेजिस्टेंस टू क्लोराइड्स। ओके, क्लोराइड अटैक से बेटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर सॉयल में सल्फेट, आयरन, एल्कली, एसिड एट्सेट्रा ये सब भी अगर दोस्तों इसमें प्रेजेंट होता है तो इसके अगेंस्ट में बेटर रेजिस्टेंस PSC प्रोवाइड करता है। ओके, तो दोस्तों इसको हम लोग मैरिन कंडीशन के लिए अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब जो कोस्टल एरियाज होता है तो वहाँ पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं।